हेलो गाइस, तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कि आखिर ये है कौन, इनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों चली है और न्यूज वाले इनके ही पीछे क्यों पड़े हैं, सोशल मीडिया पर भी इनसे रिलेटेड जो है वो चीजें क्यों हो रही हैं। सबसे पहले तो यार मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि बागेश्वर धाम जो है वो किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि ये एक मंदिर का नाम है और उसमें जो बैठते हैं उसके जो आचार्य हैं उनका नाम है गाइस, मैं देखकर बताता हूँ, धरिंदर कृष्णा शास्त्री जी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, जो है वो बागेश्वर धाम एक मंदिर है और धरिंदर कृष्णा शास्त्री जो है वो जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि बागेश्वर धाम में आखिर होता क्या है। तो देखो गाइस इतनी सी चीज जो है वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि बागेश्वर धाम में जो है हमारे जो कृष्ण शास्त्री जी हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना दरबार लगाते हैं। ठीक है, दरबार लगाते हैं, सबसे पहले राम कथा आपको सुनाएंगे, उसके बाद ये अपना एक जो है वो दिव्य दरबार लगाएंगे। एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि ये जो है वो अपने हाथ में जो है वो पेन कॉपी लिख कर किसी एक बंदे का नाम लिख लेते हैं, उसकी समस्या लिख लेते हैं और उसका जो है वो सोल्यूशन लिख लेते हैं। बाद में फिर वो बंदा वहां पर आता है और जो है वो उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बता देते हैं। अब इसमें चमत्कार क्या है, कोइंसिडेंस क्या है, वो आप लोग वो चीज जो है वो आप लोग समझ लीजिए। वो इतनी सी चीज है कि वो जिस भी बंदे को बुलाते हैं उसके बोलने से पहले ही वो उसका नाम भी उसको बता देते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी बता देते हैं और सलूशन भी बता देते हैं। तो यही रीजन है गाइस कि लोग जो है वो दिन प्रतिदिन उनके धाम में जाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और इस चीज में जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यार अर्जुन भाई ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई, ये कैसे चल रही है, वही इसी बात पर आता हूं मैं बताता हूं। तो गाइस ये क्या है कि जो बागेश्वर धाम है ये हर स्टेट में जाकर या जहां पर भी इनको इनवाइट किया जाता है वहां पर भी लोग इन्हें बुलाते हैं, ये वहां कर जाकर जो है वो राम कथा करते हैं और अपना जो है वो दिव्य दरबार लगाते हैं। तो रिसेंटली जो थे ये गए हुए थे महाराष्ट्र और कॉन्ट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है कि गए हुए थे महाराष्ट्र और वहां की एक संस्था है, ठीक है, फाइनेंशली बोल दूं मुझे उसका नाम नहीं पता है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको चैलेंज किया कि भाई मतलब हम आपको चैलेंज करते हैं और अगर आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपको जो है वो 30 लाख रुपए देंगे। ठीक है, लेकिन उसके अगले दिन जो है वो ये हमारे धरिंदर कृष्णा शास्त्री जी है ये निकल गए रायपुर के लिए वहां पर कथा करने। ठीक है, और जैसे ही गाइज ये जो थे वो रायपुर के लिए चले गए वैसे ही गाइज हमारी और आपकी प्यारी मीडिया ने जो है वो ये कहना स्टार्ट कर दिया कि वो भाग गए निकल गए यहां से। लिटरली मतलब यार इन वर्ड्स का यूज किया गया। देखो यार भाग गया तो भाई जैसे नीरव मोदी ने जो तो करोड़ों का लोन लेकर विदेश भागा था उसे भागना कहते हैं, या कोई बंदा जो है वो मर्डर करके भागता है उसे भागना कहते हैं, कोई जो है वो पैसे चुरा के भागता है उसे भागना कहते हैं। लेकिन यहां पर आप लोग चीजें देखिए कि भाई क्यों भाग गए कह दिया। ठीक है, ना वो पैसे चुरा के भागे, ना उन्होंने कोई चीजें किया, लोगों का भलाई तो कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज थी। तो भाई लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया, इतने गलत वर्ड्स का यूज कर लिया भाग गए, जबकि भाई वो संत महात्मा लोग हैं, अगर उतने लोग उनके पास आ रहे हैं, हजारों लोग नहीं गए लाखों लोग उनके पास जाते हैं, तो अगर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उनके पास जा रहे थे यार कोई तो चीज होगी, कोई तो लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा ना, तभी जा रहे हैं। तो बस गाइस यार यहीं से जो था वो मेन कंट्रोवर्सी जो थी वो इनकी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, और उसी के बाद भाई फिर सभी लोग बोलने लगे कि भाई चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, मीडिया भी चली गई। ठीक है, और उसके बाद तो इन्होंने हजार बार मीडिया कर आकर काफी सारी वीडियोज में ये चीज कह चुकी है कि भाई जहां पर भी हम दरबार लगाते हैं जिस किसी को भी चैलेंज करना आ जाओ कर लो चैलेंज, देख लो चीजें क्या होती हैं। ठीक है, और सेकंड चीज क्या, वो कभी भी काफी सारे इंटरव्यूज मैंने उनके देखे तो कभी वो ये चीज क्लेम नहीं करते कि भाई मैं चमत्कारी हूं, मैं चमत्कार करता हूं, मैं लोगों का भला करता हूं या मैं लोगों का कैंसर ठीक करता हूं, वो चीज है या ऐसी चीज नहीं है कि भाई वो किसी को कोई चीज मतलब कैसे बोलेंगे तेरा कैंसर ठीक कर दूंगा तो 5 लाख पैसा बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। जो लोग अब देते होंगे वही चीज होगी, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में, लेकिन एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो यार फ्रॉड का वैसा तो कोई है नहीं कि भाई वो उन्होंने किसी से पैसे लिए उसको नुस्खा बताया और उसका इलाज नहीं हुआ, तो उस केस में अगर लोग कहते कि भाई बता दिया फ्रॉड हो गया तो वो चीज थी। ठीक है, जस्ट सिंपल सी थिंग है कि एक नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, रामकथा सुना रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सही राह पर ला रहे हैं। ठीक है, यही तो बताते हैं यार संत महात्मा की भाई जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, मतलब कि सही सही काम करो, दूसरों की मदद करो। अब एट द एंड आप लोग बोलोगे कि भाई अर्जुन भाई आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप क्या कहना चाहोगे? तो देखो गाइस मेरा इतना सा कहना है ना यार कि देखो जो भी वो कर रहे हैं ठीक है तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं और सही ही है, मेरे हिसाब से भी सही लगता है कि अगर देखो एक चीज है ना कि अगर भगवान है, मतलब कि मैक्सिमम लोग भगवान को मानते ही हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो कि मानता है इस चीज को, बाकी जो नहीं मानते तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज है ना कि भाई सबका विश्वास अपनी जगह है, सबकी आत्मविश्वास मतलब एक मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो अपने ओपिनियन पर थोड़ा सा बिकट जाता हूं, तो बस देखो यार इतनी सी चीज है कि सही कर रहे हैं और उतना ज्यादा कोई मेन बड़ा टॉपिक था नहीं यार छेड़ने के लिए ये कि भाई न्यूज मीडिया बाकी सब लोग इस पीछे ही पड़ गए। भाई एक चैलेंज ही तो किया था यार, हजारों चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन मीडिया क्यों पीछे पड़ी? क्योंकि एक बड़ा नाम था वो, अगर उसके ऊपर जो था वो फेम मिलना है, उसके ऊपर टीआरपी आनी है। फेम तो छोड़ो, मैं क्यों ही कह रहा हूं, न्यूज चैनल के पास पहले ही फेम होता है,
टीआरपी आनी है, ठीक है, लोग देखेंगे, उनकी व्यूअरशिप अप होगी, तो दैट्स द रीजन भाई वो पीछे ही पड़ गए कि ये है वो है, फिर उनको कुछ सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।